हाय गाइस, सबको तो पता है शायरी का ये चैनल है, लेकिन आप सबने इतना रिक्वेस्ट किया इसीलिए शायनी ने कहा कि आज का हॉल मुझे करने के लिए, तो मैं आ गई हूँ आप सबके साथ बात करने के लिए और हॉल शेयर करने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है, संडे हम लोग बाहर गए थे शायनी के कैमरा खरीदने के लिए, फिर हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लिए उस टाइम पे। तो आज मैं वही शेयर करूंगी आप लोगों से क्या क्या शॉपिंग किया है। गाइस प्लीज, आप लोग ये मत समझिए कि ये वीडियो शो ऑफ वीडियो है। एक्चुअली आप सबको पता है मैं और शायनी होम टाउन में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, और हम लोग इसी वजह से ज्यादा कपड़े कैरी नहीं कर पाए और ना ही घर में है हम लोगों के पास। तो हम लोगों के जो डेली वेयर थे वो थोड़ा कम था, तो इसीलिए हम लोग गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। उस दिन यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट है, तो वहीं से हम लोग लेके आए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक्साइटिंग चीज है वो है ये कप, जो जूस कप भी बोल सकते हैं, आप कॉफी मग भी बोल सकते हैं, वॉट एवर इट इज, बट आई लव इट एंड शाइनी ऑल्सो। तो हम लोग जब गए वहां पे, जैसे पहले देखा वैसे हम लोग सोच लिए कि हम लोगों को ये खरीदना ही है, क्योंकि हम लोगों के पास ये थे नहीं। तो ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं ये शाइनी ने खरीदा है, और ये येलो वाला ये मेरा है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, इसके साथ एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ है। आई नो कि प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज करना अच्छी बात नहीं है, ये बॉटल के साथ या कप के साथ ये बहुत क्यूट लग रहे हैं, सो वी थॉट ऑफ कीपिंग इट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज पजामा। दिस इज नी लेंथ पजामा इन व्हाइट कलर। इसमें थोड़ा थोड़ा प्रिंट है ब्लैक कलर के, फील द लव लिखा है यहाँ पे, तो ये सारा कुछ थोड़ा मोड़ा यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। सारी प्रोडक्ट का प्राइस आपको स्क्रीन में मेंशन हो जाएगा, सो प्लीज चेक इट। पजामा, दिस इज फुल लेंथ पजामा, रेड कलर, नॉट रेड, इट्स अ पीच कलर, डार्क पीच कलर, फुल लेंथ, सॉलिड कलर। और ये शाइनी का है, शाइनी को ये कलर बहुत पसंद आया, और इसका जो साइज है वो L है, क्योंकि वहां पे और कुछ अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों को L ही लेना पड़ा। लेकिन इट्स गुड, मटेरियल इज आल्सो गुड, इट्स अ सॉफ्ट कॉटन मटेरियल एंड स्ट्रेचेबल। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज क्यूट येलो टॉप। यहाँ पे थोड़ा सामने में डिजाइन है, थोड़ा सा डिजाइन है। बाय द वे ये टॉप मेरे लिए है, ये टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो ब्लैक कलर का यहाँ पे जो बॉर्डर किया है वो स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन पजामा, एंड यू कैन सी दिस इज फुल लेंथ एंड स्ट्रेचेबल आल्सो। एंड गेस गाइस, ये किसका है? ये सिर्फ शाइनी का है। नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन पजामा। हम लोगों ने वहां से 6 पजामा लिया है टोटल, इतना अच्छा था और क्वालिटी भी बहुत अच्छा, आप लोग सब देख ही सकते हैं, और प्राइस भी बहुत 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 रिजनेबल था, इसीलिए हम लोगों ने ले लिया इतना सारा। तो ये देखिए, ये ब्लैक कलर का है, मुझे ब्लैक कलर अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने लिया है, और ये बहुत स्ट्रेचेबल है, हर जगह से ये स्ट्रेच कर सकते हैं आप, जो फटने का कोई डर नहीं है, आप कैसे भी इजीली बैठ सकते हो, जैसे हम लोग घर में बैठते हैं सोते हैं तो उस टाइम पे। ये जो मैंने टॉप पहना है ये भी वहीं से लिया है उसी दिन, आप देख सकते हैं ये लाइट पीच कलर का, परफेक्ट फिटिंग है, आप देख सकते हो बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। अगेन दिस इज अ टॉप, ये शाइनी का है, और इस टॉप का मुझे सबसे अच्छा लगा ये पोर्शन, ये ग्लिटरी पोर्शन है, एज यू कैन सी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और वीकेंड के लिए यहाँ पे लिखा भी है, और थोड़ा मोड़ा पजामा पार्टी के लिए भी आपको यहाँ पे ग्लिटर भी मिल जाएगा, आप पार्टी भी कर सकते हैं और कंफर्टेबल भी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये एक है स्कार्फ, कि मैंने लिया है अपने लिए, क्योंकि मैं ऑफिस में जाते हूँ तो कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा कुर्ती के ऊपर डाल लो तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ये खरीदी हूँ। ये कॉटन में है पूरा, और जैसे आप देख सकते हैं इसका लेंथ भी जो है वो बहुत ही बड़ा है, लाइक दुपट्टा, और मटेरियल भी अच्छा है, सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, ऐसे बहुत सॉफ्ट है। येलो कलर जैसे मैंने कहा बहुत ट्रेंड है और मुझे बहुत फेवरेट है। हम लोग वहां से बहुत सारा ग्रॉसरी का शॉपिंग भी किया है जो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती, लाइक ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और जैसे कि एसेंशियल होता है
वो सारा चीज हम लोगों ने खरीदा है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये चीज जरूर शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये शाइनी का बहुत फेवरेट है। जैसे उसने देखा मॉल में वैसे ही इसको पिक कर लिया और उसको कुछ नहीं सूझा, तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एंड रियली दिस इज वेरी गुड। अगर समर सीजन में अगर आपको बहुत पसीना आता है तो आप इसको यूज कर सकते हो और आपको थोड़ी देर के लिए फ्रिज का जो एहसास होता है ठंडा ठंडा, वो वाला एहसास आपको मिल जाएगा। सो गाइस, ये तो था मेरा पूरा हॉल। आप लोग प्लीज जरूर मुझे बताइए कि मेरे साथ ये हॉल देखने में आपको कैसा लगा, और शाइनी को भी फीडबैक दीजिए कि मेरा वीडियो आगे आप देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। और मैं थोड़ा आप लोगों से और डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी जो सिचुएशन है चारों तरफ में आप लोग सब जानते ही हैं, लेकिन हम लोगों को फिर भी बाहर जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है, शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जो भी सामान आप लेके आते हैं घर में उसको अच्छे से सैनिटाइज कीजिए। कुछ भी हो, वो खाने का सामान हो, पहनने का सामान हो, कुछ भी हो, आप उसको सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद ही यूज कीजिए। जैसे कि हम लोग जो कपड़े खरीद के लेके आए थे उसको हम लोग 24 आवर्स उसी बैग के अंदर रख दिए थे, और उसके बाद हम लोग उसको निकाले और फिर अच्छे से उसको, जैसे कि हम लोग वॉश करते हैं कपड़े, वैसे वॉश किए, ड्राई वॉश किए, उसके बाद धूप में अच्छे से सुखाए, उसके बाद हम लोग उसको यूज किए। तो इसीलिए आप भी ऐसा ही कीजिए, इसे आप जितना हो सके आप सेफ एंड सिक्योर रहिए। सो गाइस, आज का हॉल यहीं तक था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शाइनी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।